नंदिनी गुप्ता बनी फेमना मिस इंडिया। नंदिनी गुप्ता बनी फेमना मिस इंडिया 2023। कोटा की नंदिनी गुप्ता चुनी गई फेमना मिस इंडिया 2023। इससे पहले वर्ष 2019 में जयपुर की सुमन बनी थी मिस इंडिया। जयपुर राजस्थान की सुमन 2019 में फेमना मिस इंडिया चुनी गई थी। 2022 की मिस इंडिया सिनी सेट्टी ने नंदिनी गुप्ता को मिस इंडिया का ताज पहनाया। जनरली मिस इंडिया हो, मिस वर्ल्ड हो या मिस यूनिवर्स हो, इनका जो प्रीवियस ईयर का जो विजेता रहता है वही वर्तमान विजेता को ताज पहनाता है, वही हैंड ओवर करता है, क्योंकि ताज भी उसी के पास होता है। अब इसकी बात करें कि रनर अप कौन रहा, तो श्रेया पूजा, दिल्ली की श्रेया पूजा ये रनर अप रही हैं। फेमना मिस इंडिया की शुरुआत 1952 में होती है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फेमना मिस इंडिया की शुरुआत 1952 से होती है। क्वेश्चन को अगर टफ करना है तो वो नंदिनी गुप्ता की बजाय रनर अप पूछ सकता है, तो श्रेया पूजा ये पूछ सकता है कि फेमना मिस इंडिया 2023 चुनी गई नंदिनी गुप्ता कहाँ से बिलोंग करती हैं, कोटा राजस्थान से। अगला पॉइंट, ये ग्रैंड फिनाले कहाँ पर हुआ, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, क्यों करेंगी, आइए जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा यही कहता है कि जो फेमना मिस इंडिया प्रतियोगिता का जो विजेता रहता है, इस प्रतियोगिता के विजेता को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसीलिए जो फेमना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता हैं, ये मिस वर्ल्ड 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही दमदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।